स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, और आशा करता हूँ गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है गाइस, जो सेक्टर 34 नोएडा मेट्रो स्टेशन में होने वाला है ब्लू लाइन का, तो यहाँ पे जो मेट्रो का जो गेट है वो सिर्फ दो ही है, एक नंबर और गेट नंबर दो, तो दोनों उसके एंट्री से आप जो है एग्जिट और एंट्री दोनों कर सकते हैं। तो गाइस आज का जो ब्लॉग होगा, आसपास के जो एरिया होंगे वो सब आपको बताऊँगा कि कौन से गेट से एग्जिट करेंगे और कहाँ पहुँच सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो गाइस वीडियो पर बने रहें, और गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है आपको देखने को मिलता रहे बार बार मेरे इस चैनल पे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस टाइप का जो है मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 34 का, ये गेट नंबर दो है जहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों होती है, और गेट नंबर दो के सामने यहाँ पर जो है ये ऑटो वगैरह आपको मिल जाएंगे सेक्टर 37 नोएडा सिटी सेंटर गोल्फ कोर्स आने के लिए, और सेक्टर 50 की मार्केट तक या 51 का मार्केट हो तो यहाँ से आसपास के लिए शेयरिंग ऑटो आपको मिल जाएंगे, और बुकिंग वाले भी ऑटो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 34 का, ये बिल्कुल इस टाइप का है, और यहाँ से जो ये ब्रिज देख रहे हैं आप, ये पैदल पार करने के लिए, ये पहले से बना हुआ था, उस टाइम मेट्रो नहीं थी यहाँ पे, तो बाद में मेट्रो बनी है, तो ये ब्रिज पहले से ही बना हुआ था यहाँ पे। नंबर एक का एरिया है गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे जो सामने आपको लिफ्ट वगैरह मिल जाएगा, और थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो गेट नंबर एक होगा, ये रहा लिफ्ट का डायरेक्शन और लिफ्ट एंट्री करने के लिए, और गेट नंबर एक ये रहा गेट नंबर एक यहाँ से। और यहाँ से जो ऑटो वगैरह आपको मिलेंगे सेक्टर 52-71 सेक्टर 62 ममूरा 4 मूर्ति गौर सिटी 1 मूर्ति NS24 के लिए भी मिल जाएगा, और आपको ABS के लिए भी मिल जाएगा। और कहीं अगर आपको जाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि गेट नंबर एक से जो है आपको यहाँ के लिए ऑटो वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तो शेयरिंग ऑटो और बुकिंग वाले दोनों आपको मिल जाएंगे आसपास के एरिया में जाने के लिए। तो ये है गेट नंबर एक सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन का। थोड़ा यहाँ पे पेड़ आ गया है, पत्ते वगैरह, इसलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहीं से एंट्री और एग्जिट दोनों होगी मेट्रो के लिए। नंबर एक से जो है मैं प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहा हूँ, एस्केलेटर से होके मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक से एंट्री किया है। नंबर दो से जब आप ऊपर आते हैं तो सामने जो है ये लिफ्ट मिलेगा, और वहाँ सामने से जो लोग आ रहे हैं वो एग्जिट करके आ रहे हैं। लिफ्ट के सामने ही जो है ये कार्ड्स और टिकट के लिए रास्ता है सामने, बिल्कुल एग्जिट पॉइंट का भी हुआ है, और ये डिस्प्ले भी हो रहा है यहाँ पे। सेक्टर 34 नोएडा मेट्रो स्टेशन, तो कुछ इस टाइप का जो है ये मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हैं ये, तो हर जगह आपको जो है डायरेक्शन वगैरह मिल जाएगा मेट्रो स्टेशन पे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर का लिखा हुआ है कि आप 34 पे हैं, तो लास्ट मेट्रो जो है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाएगी, ये ब्लू लाइन मेट्रो। तो ये चार्ट लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो है मेट्रो आ चुकी है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ, जाएगी ये मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। और अभी जो फिलहाल मैं हूँ सेक्टर 34 नोएडा मेट्रो स्टेशन पे, और सामने भी डिस्प्ले हो रहा है कि नोएडा की तरफ जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो है ये मेट्रो। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जो मेट्रो है द्वारका सेक्टर 21 तक जाती है, तो फिलहाल जो है मेट्रो प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है द्वारका की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है ये आप द्वारका जा सकते हैं बगैर चेंज किए हुए, और इस लाइन पे बहुत से चेंजिंग लाइन भी है जो आप अदर लाइन के लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सामने देख रहे हैं कि ब्लू पट्टी के यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है मेट्रो पर, तो ये ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 34 का। लिफ्ट है एग्जिट की तरफ जाने के लिए और प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मेट्रो स्टेशन का गाइस जो पूरा लुक है दोनों तरफ का सेम है, चाहे वो जीने का हो चाहे लिफ्ट का हो, बिल्कुल दोनों तरफ सेम ही बना हुआ है। सामने भी आप देख सकते हैं लिफ्ट है, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया, और इस तरफ पे भी लिफ्ट है, तो दोनों प्लेटफॉर्म सेम है, 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म। फिलहाल अब एग्जिट की तरफ चल रहा हूँ एस्केलेटर से। बैंक सेक्टर 51 का ये पूरा मार्केट है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है बैंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। इस सामने यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ के आसपास का जो ये बैंक मार्केट है, यहाँ पे आने के लिए सेक्टर 34 मेट्रो से गेट नंबर 2 से आपको एग्जिट करना है, और सिटी सेंटर की तरफ डायरेक्शन की तरफ चलना है आपको। तो ये मार्केट जो है आपको वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा गेट नंबर 2 के पास में। लास्ट कैनरा बैंक है लास्ट एंड पे टी पॉइंट के पास,
ये पेट्रोल पंप है केनरा बैंक के पास में, 51 मार्केट जहाँ ख़त्म होता है। तो इस पेट्रोल पंप पे आपको एटीएम भी मिल जाएगा एसबीआई का और पंजाब नेशनल बैंक का। आशा करता हूँ गाइस कि जो ये ब्लॉग्स का सकते हैं 34 मेट्रो स्टेशन का वो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग्स और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको इस मेट्रो स्टेशन कोई भी जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग्स में।